तो एफ एम एस वर्सेज आई एम ए बी सी, पहली बात नो ब्रेनर आर ओ आई। आर ओ आई चेक करके कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? वी आर इंडियन किड्स, वी लाइक मनी, वी वॉन्ट सेव मनी, आंसर इज येस। आई टॉक अबाउट सम स्टोरीज, आई नॉट नेम दैट गर्ल। लास्ट ईयर देयर वाज अ गर्ल, उसकी मॉम के साथ भी बातचीत हुई, क्या करें क्या करना चाहिए एक्सेट्रा। तो जितना पैसा अभी अहमदाबाद में देना, बैंगलोर में देना, सबकी फीस 25 लाख हो चुकी है, और 25 लाख के ऊपर सब लोगों ने बोला हम फीस और बढ़ाएंगे, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आईआईएम्स को पैसा देना कर दिया बंद, 50% ड्रॉप हो गया है बजट। इसलिए आई कैन क्लियरली सी कि पब्लिक आरओआई की तरफ और बढ़ती जाएगी, आईआईएम्स रुकने वाले नहीं है, उनका फीस बढ़ती जाएगी। मेरी गलती नहीं है ये, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चिट्ठियां लिखो कि और एफएमएस खोलो। नंबर वन आरओआई। आरओआई का फायदा तब कैलकुलेट करना है अगर आप यू आर फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड, यू आर जेन्युइनली फ्रॉम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, या घर पे हैंड टू माउथ हो, या अनसर्टन कंडीशंस हैं अभी मार्केट के अंदर, और अपनी नौकरी पहले भी ठुकी हुई थी, आगे भी इतना भरोसा नहीं खुद पे, तो आरओआई पे डिसीजन ले लो। कई लोग सिर्फ आरओआई पे डिसीजन लेके और भी ओके कॉलेजेस है, यूबीएस हो गया, डीएससी हो गया। आई गेट मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम आफ्टर द रीचिट, सर आई थिंक दैट वाज अ बैड डिसीजन, आई विल टॉक अबाउट यूबीएस नॉट एफएमएस, एफएमएस इज अ ग्रेट स्कूल, बट आरओआई पे डिसीजन लेना। ब्रांड रिकॉल, ब्रांड रिकॉल ऑफ ए बी सी इज मच 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 मोर विद द नॉर्मल जनता देन एफएमएस। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद कॉलेजेस लाइक एफएमएस, एसपीजेन बॉम्बे, एक्सेल राइज, ये लोग जानते नहीं है। अब तुम हंसोगे मेरी बात पे, लोग जानते नहीं है। जब मैं एसपीजेन बॉम्बे गया था तो लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया था, भाई आई एम कोईकोड क्यों नहीं जा रहा, पागल हो गया क्या तू, यू नो अब तो रोहतक में भी आई एम खुलने वाला है। नेवरदलेस, तो ब्रांड रिकॉल बहुत बड़ा है विद द एचआर्स। जनरल जनता आपको नहीं पहचानेगी कि आप एफएमएस के एलुमनाई हो, बट इंटरनेट पे बहुत बड़ा ब्रांड है, एचआर्स के अंदर भाई एफएमएस बोले तो स्टड है। दीज 269 पीपल को सर आंखों पे रखेंगे, बाकी लोगों को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई व्हाट इज दिस, आपको इसमें ये ब्रांड कौन सा है समझाना पड़ेगा, ये दिक्कत होगी। अहमदाबाद की टी शर्ट पहन के घूमेंगे बहुत बढ़िया है। डिस्क्लेमर, मैं आउटसाइडर थॉट बता रहा हूँ, डिसीजन अपना खुद का लिएगा। फैकल्टीज, फैकल्टीज आर टॉप फैकल्टीज। एफएमएस इज नोन एज मेका फॉर मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर जाना है तो भाई नो ब्रेनर अबाउट दैट, चुप करके वहाँ पे चले जाइए। यहाँ पे हर्ष सर है, सर बता रहे थे मुझे, मोइनाक सर बात हो रही थी, एफएमएस एलुमनाई टैस्क के अंदर प्लेस्ड है। तो सर वॉज टेलिंग मी कि प्रोफेसर हर्ष है, प्रोफेसर पंकज सिन्हा है, सिमरत कौर मैम थी, शी इज मूव टू नाउ आई थिंक एसआरसीसी की डीन या डायरेक्टर बन गए हैं मैम, शी इज मूव डाउन राइट नाउ, एंड जेके मित्रा जी हैं और विवेक जी हैं, ये काफ़ी रिनोन प्रोफेसर है। हर्ष साहब जो मार्केटिंग पढ़ाते हैं बहुत ही दिग्गज है, इनका नेक्स्ट लेवल पे है। अगर आपको हार्डकोर आईबी रोल्स चाहिए, हार्डकोर आईबी रोल्स, हार्डकोर टॉप टीयर रोल्स, इफ यू आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम टॉप टीयर बैकग्राउंड, व्हेन आई एम सेइंग हार्डकोर आईबी के अंदर ही जाना है, दिग्गज रोल्स चाहिए, ऐसे रोल्स जो कि ए बी सी में ही आते हैं। अगर आपका प्रोफाइल भी हार्डकोर है, आईआईटी है, एनआईटी है, बिट्स पिलानी है, 999 है, तो हम लोग बहुत डिस्कशन चल रही थी, अभी सुधांशु सर भी थे और मोइनाक सर भी थे, सो दे वर सेइंग यू कैन लीव एफएमएस एंड गो टू आईएमएबीसी अगर आपका प्रोफाइल बढ़िया है, बिकॉज वो रोल सिर्फ एबीसी में आते हैं। सारे नहीं, हार्डकोर फिन आईबी रोल प्राइवेट इक्विटी वो ज़्यादा चांसेस है। कंसल्टिंग बीसीजी बेन ये सब वहाँ पे भी आता है, ऐसा नहीं है, पर यहाँ पे थोड़ा भर के प्रोफाइल अच्छा यहाँ जा सकते हैं। प्रोफाइल नॉर्मल है, अच्छे कॉलेज के हो, कैट फाड़ चुके हो, देन एफएमएस में जाके भी छक्के मार सकते हो। मुझे ये चीज़ इतना कन्विंसिंग नहीं लगता, मुझे लगता है मेरा चाहे नॉर्मल प्रोफाइल हो जो मर्जी हो, पर मैं आई डोंट वांट लिसन टू अ गाय लाइक मी सिटिंग ऑन यूट्यूब राइट नाउ, एंड आई वुड गो टू एफएमएस एंड किल माय ड्रीम्स इन कंसल्टिंग और किल माय आईबी, बट वो कंपनी कैंपस में आने चाहिए। ये डिसीजन लोगों से डर के नहीं लेना कि अहमदाबाद में लोगों में कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा। अरे तुम एफएमएस जा रहे हो, अहमदाबाद जा रहे हो, कॉम्पिटिशन हर जगह पर होगा। एंटरप्रेन्योरशिप, दिस इज द बिग विन यार। जो लोग एफएमएस जा रहे हो ना, मेरी एक रिकमेंडेशन है, प्लीज़ यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हाँ धंधा करने निकलना यार, वी नीड मोर एंटरप्रेन्योर्स। अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता से एंटरप्रेन्योर्स नहीं आ सकते फॉर श्योर। मैंने एक क्वेश्चन तो ऋषि सर को पूछ लिया था, आई एम बैंगलोर के डायरेक्टर हैं, यार ये थोड़ा इकोसिस्टम ही ख़राब है। 25 लाख फीस देनी है, उम्र आपकी 22 लाख 23 लाख है, आपको पैसे वापस देते देते 3-4 साल और लग जाएंगे। नॉर्मली 2.5 साल के अंदर इंडियन बच्चा इज एबल टू रिकवर इज एंटायर फीस बैक, तो तब तक उम्र हो जाएगी आपकी 25 साल, इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, मारवाड़ी हो, पंजाबी है, जो है, तो आगे जाके आपको सेटल होना है, लड़की ढूंढनी, शादी करनी एक्सेट्रा, और बड़ा स्ट्रेस आ जाता है। फिर एक बार तुमने ज़्यादा पैसे लग गए, लोन खत्म होता है, तो मम्मी पापा बोलते हैं घर बुक कर लो, मार्केट थोड़ा स्लो है, घर बुक कर लो, एक घर हमें इंडियन को लेना था। 25 साल की उम्र में जैसे ही आप घर बुक करते हो, उसके बाद तुम छोड़ दो धंधा। दिस हैपन्ड विद मी एज वेल। मुझे अपनी फीस निकालनी थी, मेरी फीस तो बहुत कम थी, 4 लाख के आसपास कुछ थी, एसपीजेन बॉम्बे की फीस, हॉस्टल वॉस्टल सब मिला के, खाना वाना मिला के 5 या 6 लाख रुपए, वो कवर कर ली थी मैंने फटाफट, वो तो हो गया था। पर उसके बाद इट टुक मी नियरली 5 गुड ईयर्स टू वर्क इन जनरल इलेक्ट्रिक, टू बी कंफर्टेबल, टू बी, पर मैंने घर बुक नहीं किया था, मुझे ईएमआई नहीं देनी थी,
देन आई स्टार्टेड माई ओन कंपनी कॉल्ड कैट किंग. सो इसलिए वहाँ पर रुकना मत इज माई रिकमेंडेशन. प्लीज ऑल एफ एम एस गाइज बिकम एंटरप्रेन्योर्स. ओके,